और इस बीच आपको बता देते हैं कि बिहार में स्थिति क्या है। बिहार में स्कूल में छुट्टियों की जो लिस्ट है वो पहले क्या थी और अब क्या है ये जान लीजिए। आप देखिए यहाँ त्योहार का नाम आप देख रहे हैं तीज, पहले दो छुट्टी थी अब छुट्टी रद्द कर दी गई है। इसी तरीके से जियोतिया में पहले एक छुट्टी होती थी छुट्टी रद्द कर दी गई है। ईद देखिए आप, पहले एक छुट्टी होती थी और अब ईद की छुट्टी जो है वो एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई है। इसी तरीके से अन्य त्यौहार और अन्य त्यौहारों में भी छुट्टियों को लेकर इसी तरीके का फेरबदल हुआ है। लेकर आइए और त्यौहारों की लिस्ट, यहाँ पर दर्शकों को जानकारी देते हैं हम किस तरीके से जो हिंदू त्यौहार हैं उनकी छुट्टियाँ घट रही हैं लेकिन जो मुस्लिम त्यौहार है वहाँ पर छुट्टियाँ बढ़ाई जा रही हैं। इसी तरीके से बकरीद देखिए आप, पहले दो छुट्टी मिलती थी बकरीद पर लेकिन अब तीन छुट्टी कर दी गई है। मुहर्रम देखिए आप, एक छुट्टी मिलती थी अब दो छुट्टी कर दी गई है। तो बकरीद मुहर्रम ये दोनों मुस्लिम त्यौहार, और वहीं होली जो हिंदू त्यौहार है पहले तीन छुट्टी मिलती थी और अब घटाकर दो छुट्टी कर दी गई है। इसी तरीके से इस लिस्ट में दुर्गा पूजा पर बिहार में पहले छह छुट्टी का प्रावधान था जिसको घटाकर अब सिर्फ दो कर दिया, मतलब चार दिन की छुट्टी दुर्गा पूजा पर काट दी गई है। दिवाली, पहले चार दिन की छुट्टी मिलती थी, तीन छुट्टियां घटा दी गई, अब सिर्फ दीपावली के त्यौहार पर एक छुट्टी मिलेगी। छठ का पर्व, पहले चार छुट्टी मिलती थी और बिहार का ही अपना महापर्व है छठ पर्व, इसमें भी छुट्टी घटाई गई है, चार की जगह अब सिर्फ तीन दिन की छुट्टी छठ पर्व के लिए रखी गई है। तो ये 2024 के लिए जो स्कूलों के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से, उसकी आपने आंकड़े देख लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।